हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर लेके आया हूँ सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग फंक्शन की एक सीरीज़। तो चलिए आज हम सीखेंगे दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर कराते हैं, कि दोनों स्ट्रिंग दोनों कंपेयर कराने पर देखते हैं कि वो स्ट्रिंग दोनों सेम हैं या अलग हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें दो स्ट्रिंग के बीच में जो कैलकुलेशन होती है, कंपैरिजन होता है, वो होता है आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर आपको आज की वैल्यू, ये तो पता ही होगा कि आज की वैल्यू होती क्या है, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे लेटर्स होते हैं और हमारा कंप्यूटर्स क्या होता है, वो बाइनरी डिजिट प्रकार करता है। तो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट भी होते हैं, सिम्बल्स भी होते हैं, कुछ नंबर्स भी होते हैं। तो नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ सिंबल्स और अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करना बाइनरी में इजी नहीं होता। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया एक ASCII, जो कि क्या होता है, हर एक लेटर्स के लिए, हर एक सिंबल्स के लिए न्यूमेरिक वैल्यू कोड निर्धारित कर दिया गया है। और जब भी हम वो लेटर या फिर सिंबल्स को एंटर करते हैं, तो क्या होता है, कंप्यूटर को एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक डेसिमल वैल्यू मिलती है, और वो डेसिमल वैल्यू को क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी में, उसके बाद हमें रिजल्ट शो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम की कोडिंग, और इस ये किस तरीके से हम करते हैं थोड़ा ध्यान से समझिए। जहाँ पर आपको अगर थोड़ा डाउट दिखता है, वीडियो को दोबारा से रोक के देखिए, दोबारा से रिवर्स में करके देखिए। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स हम इंक्लूड कराएंगे अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले चलिए हेडर फाइल हमने लिख लिए हैं और ये मेन तक हम आ गए हैं। मेन के बाद में ये इतना प्रोग्राम आपको सबको पता है किस तरीके से बनाते हैं, ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। एक एरे लिया, इस बार हमने एक दो एरे बनाए हैं, एक नेम वन और नेम टू, क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन कराना है। तो हमने क्या किया, ये एक नेम वन और नेम टू के नाम से दो एरे बना लिए हैं। फिर हमने एक इंट में डी नाम का एक वेरिएबल लिया है, जो कि क्या करेगा, इन दोनों को काउंट करेगा। इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद में उनके बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, उसको चेक करेंगे कि वो दोनों डिफरेंस जो है कि कम है या ज़्यादा है, प्लस है माइनस है, जो भी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एंटर द नेम वन, एक हमने मैसेज यूजर के लिए दे दिया है, और जो नेम आएगा वो नेम वन में हमने स्टोर करा लिया। देन नेम टू आ गया है और इसको हमने नेम टू में एंटर करा लिया। अब हम बात करते हैं डी बराबर स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब हम दोनों जो स्ट्रिंग हैं, स्ट्रिंग वन नेम टू, दोनों को कंपेयर कराते हैं और उसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले नेम वन और नेम टू, अब जो भी इनके बीच में डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस अगर जीरो होता है, कि स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, अगर दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर जीरो होता है, इट मींस हमारा दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल हैं, सेम हैं। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, इफ डी इक्वल टू जीरो तो क्या हो, तो प्रिंट एफ, हमें स्क्रीन पर एक मैसेज मिल जाए, बोथ नेम आर सेम, कि दोनों स्ट्रिंग में जो नाम दे रखा है वो क्या है, सेम है। अगर ऐसा नहीं होता है, जो भी वैल्यू आती है दोनों का कंपैरिजन कराने के बाद में, उनमें कोई वैल्यू प्लस माइनस में आती है, डी की जो वैल्यू होगी प्लस या माइनस, तो क्या होगा, एल्स। अब हमने क्या किया, एल्स अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो, यहाँ पर हमने इफ लगाया, अगर डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी बड़ा है किससे, जीरो से, तो क्या होगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, तो क्या होगा, अगर जीरो, क्योंकि एक यहां पर अगर वैल्यू प्लस में आती है तो क्या होता है, जो स्ट्रिंग वन है वो बड़ी होगी, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो स्ट्रिंग टू बड़ी होगी। तो हमने यहां दिया है कि स्ट्रिंग वन इज ग्रेटर देन टू, तो हमने स्ट्रिंग यहाँ पर एक दे रखा है, ये सिंबल्स, स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू, नेम वन बड़ा होगा नेम टू से, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर वैल्यू, फिर अगर ये भी नहीं होता है, वैल्यू माइनस में होती है, एल्स, तब क्या होगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग वन इज लेस देन
स्ट्रिंग टू, नेम वन लेस देन स्ट्रिंग टू, कि ये इससे छोटा है। देन हमने यहाँ पर एक आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट सी एस लगाया है और ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ये पूरा प्रोग्राम आप पर देख लीजिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हमारा मेन प्रोग्राम तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम दिखाना क्या चाहते हैं, आउटपुट में क्या शो करना चाहते हैं, इसके लिए हमने ये कंडीशन दे रखी है कि इक्वल हैं दोनों, या फिर स्ट्रिंग वन बड़ी है या स्ट्रिंग टू छोटी है। ठीक है, बड़ी है। तो चलिए इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो हमने यहाँ पर दिया एक रमेश, रमेश स्ट्रिंग वन में रमेश नाम दे दिया है। देन स्ट्रिंग टू में हम देते हैं रमेश ही दे देते हैं। ठीक है, रमेश। तो बोथ आर सेम, ये प्रोग्राम रन होगा चेक करेगा तो बोथ आर सेम, क्योंकि रमेश और रमेश दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो हमें आउटपुट क्या मिल चुका है, हमें सेम आउटपुट मिल गया है। अब हम इसको स्ट्रिंग को देखते हैं दूसरी स्ट्रिंग में। तो चलिए अब हम यहाँ पर देते हैं राम, देन स्ट्रिंग टू में देते हैं रमेश। जैसा कि हमें को दिख रहा है कि राम फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी है और सेकंड स्ट्रिंग हमारी बड़ी है। तो फर्स्ट एंटर, तो राम इज लेस देन रमेश, कि राम छोटा है रमेश से, ये कंपेयर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका आउटपुट और देखते हैं। हमने यहाँ पर दिया रमेश कुमार, सेकंड स्ट्रिंग हमारी है रमेश। तो रमेश कुमार इज ग्रेटर देन रमेश, ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सारे आउटपुट हमें दिखा दिए हैं इसने कि इक्वल हैं, लेस देन ग्रेटर देन, फर्स्ट यूनिट स्ट्रिंग बड़ी है छोट और सेकंड यूनिट सेकंड स्ट्रिंग सॉरी बड़ी है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने चला के देख लिया है। इसका कोड थोड़ा ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसको थोड़ा, इफ आप पहले से कर चुके हैं तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। और इसका कोड आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए इसे। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो और मैं इसी तरीके से मोटिवेट होकर आगे वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पर रेगुलरली वीडियो अपडेट करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि जनवरी 2020 में सी लैंग्वेज का पेपर होने वाला है ओ लेवल वालों का। और जो ओ लेवल स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मैंने। आप अगर इस तरीके से मेरे साथ रहेंगे, मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, तो मैं सी लैंग्वेज की सारी वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो मैं आपको कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सअप पे आपको ये प्रोग्राम समझा सकता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।